दुनिया का एक ऐसा विचित्र अस्पताल जहां मरीज इंसान नहीं बल्कि गाय होती है, जहां पर 18 एम्बुलेंस, 350 लोगों का स्टाफ, 1 रुपए में वीआईपी रूम और 25 रुपए में भोजन। आइए जानते हैं कलयुग में बसे इस स्वर्ग के बारे में। जैसे अपने ह्यूमन हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड की व्यवस्था होती है, इसी प्रकार यहाँ गोमाता के लिए मतलब क्या अलग अलग वार्ड की व्यवस्था है। पहला ये वार्ड है जो कैंसर से पीड़ित है, सींग में इनके कैंसर है, गले में है, कैंसर से जो भी पीड़ित है वो इस वार्ड। दूसरा वार्ड है 3 पैर वार्ड, यानी इस वार्ड में टोटल गोमाता का एक एक पैर है वो कटा हुआ है, मतलब 3 पैरों की गोमाता है। किसी कारणवश रोडों पे खड़ी रहती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, यहाँ आके मतलब क्या इनका एक्सरे किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर, जो सबसे ज्यादा जटिल ऑपरेशन होता है वो मतलब गोमाता का इधर किया जाता है, जैसे बाहर वातावरण सही नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इंसानों को ट्रीट किया जाता है, उससे भी कई बढ़िया तरीके से यहाँ पर गौ माता को ट्रीट किया जाता है। सांड वार्ड है, पूरे वार्ड में सांड देवता है, जिसके ऊपर मतलब अटे कोई घायल है, कई किसी के एक्सीडेंट हो गया या कोई दूसरे कारण से, तो यहाँ पे इनका उपचार किया जाता जी। है जी। बाहर से लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारी मेडिकल टीम रहती है, तो जैसे एम्बुलेंस आती है तो मेडिकल टीम उनके पास चली जाती है और उनको उतार के अच्छी तरह से उनकी ड्रेसिंग वगैरह साफ वगैरह करके इस तरह ड्रेसिंग की जाती है। उसके बाद में आईसीयू वार्ड सेकेंड है, उसके बाद में अनाथ बछड़े, जिनकी मतलब माँ मर जाती है, बच्चे रह जाते हैं छोटे छोटे, उनको लिए दूध पिलाना, दूसरा तीसरा, ये मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग वार्ड है। टोटल 400 प्लस कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, 2300 से लेकर के 2500 घायल गोमाता एडमिट है। हमारी एक पॉलिसी है, घायल गोमाता लेते हैं, बदले में एक स्वस्थ गोमाता उनको देते हैं। गौशाला का बजट मंथली लगभग 2.25 करोड़ रुपए है, 5.5 से 6 लाख रुपए एवरीडे का यहाँ खर्चा है। क्या गोमाता के अलावा पक्षियों की भी इधर मतलब सेवा होती है, जैसे मोर है, कबूतर है, गिद्ध है, कोयले, ये सब मतलब क्या है एडमिट है इलाज के लिए। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ लेके आते हैं, और मानो जैसे मोर है, हाँ। आपकी गाड़ी से कोई मोर टकरा गया या आपको रास्ते में कोई घायल पक्षी मिल जाता है, हाँ। वो आप यहाँ लेके आ जाते हो, इलाज होता है तब तक हम यहाँ रखते हैं। खाने के लिए उनको जो जिसका मेन्यू होता है उन हिसाब को दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने सुना है कि यहाँ पर 1 रुपए में कमरा भी मिलता है, वो भी वीआईपी। बिल्कुल, एक आदमी के 200 रुपए लेते हैं, 12 घंटे के लिए रूम देते हैं, उसमें वीआईपी खाना हमारी संस्था का होगा, चाय हमारी संस्था की होगी, साबुन है, टॉवल है, ये टोटल उन रूम के अंदर आपको फैसिलिटी मिलेगी। अगर वो निकाल दे तो मात्र 1 रुपए भी बचता नहीं। गोमाता के लिए जो भी बांटा, दलिया, लापसी जो अनाज से बनता है, तो ये टोटल अनाज का गोडाउन है, और एवरी डे मतलब 24 घंटे में यहाँ और जोधपुर में मतलब क्या 8 टन बांटा है वो बनाया जाता है। ये अपने पूरा मेडिकल रूम है, गोमाता के लिए जो भी मेडिसिन यूज होता है एवरी डे मतलब 30 से 35 हजार का मेडिसिन निकलता है, और ये भी टोटल मतलब क्वालिटी का मेडिसिन है। 6 मतलब चारा गोडाउन है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का सूखा चारा जो ज्वार और बाजरा का निर्मित होता है वो चारा सबसे ज्यादा दिया जाता है, और चारा भी मतलब क्या सीधा नहीं डालते हैं, हमारे गोपालक होते हैं वो चारा ऐसे लेके यहाँ रखते हैं, फिर इनको मतलब क्या है साफ किया जाता है, जो भी मतलब रीज बीज होती है वो नीचे निकल जाती है, हाँ। और जो क्वालिटी का चारा मिलता है वो मतलब गोमाता को दिया जाता है जी। गोमाता के बिस्तर है, हाँ। सर्दियों के अंदर मतलब क्या है टोटल जो वार्ड है टोटल वार्ड को मतलब ढका जाता है ताकि बाहर से मतलब क्या हवा ना आए, और जो आईसीयू के अंदर घायल गोमाता होती है उनको रजाई कंबल ओढ़ाई जाती है, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है उनको बढ़िया झड़का के साफ करके धुलाई करके कपूर की गोली डाल के रखी जाती है ताकि इसमें मतलब बदबू ना हो, कीड़े ना लगे। ये अपना ट्रस्ट बना हुआ है, और किसी से हम मौखिकली 1 रुपए भी किसी से मांगते नहीं है। अच्छा। जैसे आप आया, देखा, आपको अच्छा लगे कि भाई अपना पैसा सही जगह जा रहा है, तो 5, 10, 50, 100 जो भी जिसकी स्वेच्छा है वो दे सकता है, और इन्हीं से अपना ये गोमाता का इलाज और ये इतना बड़ा सुंदर कार्य चलता है। सर, ये अपना गौशाला 2008 में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज ने शुरू किया था। 2008 में सबसे पहले 1 गोमाता से ये गौशाला शुरू हुआ है, जिसे नंदा गोमाता के नाम से वो चर्चित थी। 2022 में ये देवगमन हो गई, और ये अपने जो प्रथम गोमाता है उनकी ये समाधि है। मैंने आपको बांटा गोदाम में आपको बताया था, यहाँ अनाज से गोमाता के लिए जो बंटा दलिया बनाया जाता है, यहाँ तुलादान की भी व्यवस्था होती है, जैसे कोई गोभक्त
अपने वजन के बराबर अनाज लेकर यहाँ गोमाता को मतलब उनके लिए बांटा दलिया लापसी बना सकता है, उनके लिए ये सुविधा की जाती है। कई हमें ऑनलाइन भी बोलते हैं कि भैया आप हमारे नाम के या किसी के जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे, या कोई पुण्यतिथि पे, या कोई स्वेच्छा से बोलता है भैया मेरे वजन इतना है, उनके हिसाब से गोमाता के लिए बना दो। इनका मतलब हम चार्ज लेते हैं मात्र 23 रुपए पर केजी। तो जितना आपका वजन है उसको 23 से गुणा करके आपको अमाउंट देना पड़ता है और हम हाथों हाथ मतलब गोमाता के लिए ये अनाज बांटा दलिया बनाए जाते हैं। और आप लोग भी इस तरीके से ऑनलाइन अपने घर से ही अपने वजन के बराबर या अपने स्वेच्छा अनुसार इस तरीके का बांटा बनवा कर यहाँ पर गौ माता को वितरित करवा सकते हैं जी। आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा और आप कहाँ कहाँ से हमें देखते हैं ये भी बताइएगा।